वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जनसत्ता पर आपका स्वागत है, मैं हूं अंशिका सारडा। फोर्ब्स मैगजीन ने 2019 के सेलिब्रिटी 100 की सालाना लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में विराट कोहली ने सलमान खान और अक्षय कुमार तक को पछाड़ दिया है, तो वहीं तापसी पन्नू ने कंगना रनौत को पीछे छोड़ दिया है। टीवी पर कमाई करने के मामले में एक कॉमेडी किंग ने तमाम एक्टर्स से आगे की छलांग लगाई है। साल 2019 के आखिर में आई फोर्ब्स की इस लिस्ट में कौन किस पायदान पर है, किसने किसको है पछाड़ा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, फोर्ब्स की लिस्ट में सबको हंसाने वाले कॉमेडी किंग कपिल शर्मा सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले टीवी एक्टर बन चुके हैं। करीब 5 करोड़ रुपए की सालाना कमाई के साथ उन्होंने इस लिस्ट में 53वां स्थान हासिल किया है। इसके अलावा टीवी जगत के कई जाने माने चेहरे जैसे कि दिव्यंका त्रिपाठी, करण कुंद्रा और भारती सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। हाल ही में कपिल शर्मा पापा बने हैं और ऐसे में उनके लिए ये दूसरी खुशखबरी है। इस लिस्ट को लेकर दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बॉलीवुड की क्वीन यानी कि कंगना रनौत तापसी पन्नू से पिछड़ गई हैं। इस लिस्ट में जहां कंगना रनौत 70वें पायदान पर रही, तो वहीं तापसी पन्नू ने 68वीं रैंकिंग हासिल की। तापसी पन्नू ने साल 2019 में 4 हिट फिल्मों के साथ करीब 6.5 करोड़ रुपए की कमाई की है, तो वहीं कंगना रनौत ने करीब 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। तापसी इससे पहले साल 2018 में फोर्ब्स की लिस्ट में 67वें स्थान पर थी, तो वहीं कंगना रनौत ने इस साल फोर्ब्स की लिस्ट में वापसी की है। तापसी पन्नू और कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल में सोशल मीडिया पर काफी लंबे समय से वॉर चल रहा है। ऐसे में जिस तापसी को रंगोली ने कंगना की सस्ती कॉपी बताई थी, वो ही कंगना से आगे निकल गई है। अब देखना ये है कि इस पर रंगोली क्या कहेंगी। खैर, आगे बढ़ते हुए इस लिस्ट पर अगर चर्चा करें तो पता चलता है कि तमाम सितारों को पछाड़ते हुए रन मशीन विराट कोहली इस लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस मामले में बॉलीवुड स्टार्स अक्षय कुमार और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में पिछली बार नंबर 1 पर सलमान खान थे, लेकिन इस बार खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार दूसरे नंबर पर है और सलमान खान तीसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर है विराट कोहली। अगर सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स की बात की जाए तो इस लिस्ट में खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार पहले नंबर पर है और उनके बाद नंबर आता है भाईजान सलमान खान का। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है, शाहरुख खान छठे और रणवीर सिंह 7वें नंबर पर। वहीं एक्ट्रेस की अगर बात करें तो आलिया भट्ट 8वें नंबर पर और दीपिका पादुकोण 10वें नंबर पर है। वर्षीय विराट कोहली ने 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 के बीच करीब 252 करोड़ रुपए की कमाई की है। कमाई के मामले में वो अक्षय कुमार से थोड़ा ही पीछे हैं। हालांकि अक्षय कुमार ने इस साल करीब 293 करोड़ रुपए की कमाई की है और वो विराट से आगे हैं। लेकिन जिस तेजी से विराट ग्रोथ कर रहे हैं, उस हिसाब से वो अक्षय से ऊपर निकल सकते हैं। तो ये थी फोर्ब्स की लिस्ट सितारों के परफॉर्मेंस ग्राफ पर। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।